सामने देख सकते हो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जेठालाल जी खड़े और वो मगन भी खड़ा हुआ है यहीं पर। गेट के अंदर देखो वो ब्लैक कलर की कार है ना, वो बबीता जी की है, जो कि मुनमुन दत्ता जो कि बबीता जी का रोल प्ले करते हैं, उनका अभी है ना पैकअप हो चुका है, इसलिए वो देखो अभी कार में सामान वगैरह अपना रख रहे और वो शायद अपने घर के लिए जा रहे होंगे अभी। और ये गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ देखने में ऐसी सोसाइटी दिखाई देती है, ये पूरे प्लाईवुड की यहाँ बनाई गई है, इसके अंदर ऐसे एक्चुअल में रूम्स नहीं है। ये अब्दुल की सोडा शॉप जो दिखाई जाती है अभी तो बंद है, जब भी शूट होता है तभी वो लोग खोलते हैं। और ये देखो तारक मेहता जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सामने वो भिड़े जी भी खड़े हुए हैं। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मुंबई के फिल्म सिटी में, और फिल्म सिटी में ना अपने काफी ज्यादा सीरियल के सेट्स है, मूवी के सेट वहाँ पर लगे हुए हैं। तो वैसे ही है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसकी जो मेन अट्रैक्शन है गोकुलधाम सोसाइटी, उसका भी सेट है ना वही मुंबई के फिल्म सिटी में लगा हुआ है, जो कि गोरेगांव में है। तो अभी मैं आपको वहाँ पर ही ले जा रहा हूँ तारक मेहता के सेट पे, और मैं आपको सेट है ना अंदर से पूरा दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको सारी चीजें वहाँ चलकर ही दिखाता हूँ। और अगर शूट भी चालू होगा ना तो हमें उनके स्टार कास्ट से भी मिलने मिलेगा। तो चलो अभी चलकर देखते हैं कैसा रहता है अपना एक्सपीरियंस, और मैं आपको सारी चीजें डिटेल में दिखाता हूँ तारक मेहता की सेट पे। हम लोग फिल्म सिटी के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो कैसा यहाँ पर है ना पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, ये पूरा जंगल का एरिया है। और सामने की तरफ देख सकते हो इमली सीरियल का बोर्ड लगा हुआ है, उसका शूट भी यहीं चल रहा है। और ये बैंडिश बैंडिट्स का सीजन 2 का देख सकते हो सारी शूट है ना यहीं चल रहा है। आगे की तरफ आते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सीरियल का अभी सेट लगा हुआ है। ये स्टार प्लस की सीरियल है ना, कई सालों से यहीं पर सेम लोकेशन पर लगा है। ये सामने जो आप घर वगैरह देख रहे हो ये सारे घर सीरियल में दिखाए जाते हैं। और ये आगे की तरफ आते ही हम पहुंच चुके ये फेमस कोर्ट रूम के यहाँ पर, जहाँ कई सारे सीरियल्स और मूवीज ये कोर्ट रूम के बाहर शूट हुए, और इसके अंदर भी कोर्ट रूम का सेट है। और ये आगे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर ये सलमान खान प्रोडक्शंस का द कपिल शर्मा शो भी है ना, उसका सेट भी यहीं पर आगे की तरफ ही लगा हुआ है, और सामने आप देख सकते हो। और अभी हम पहुंचे ये गार्डन की तरफ, ये गार्डन है ना आपने टीएम के उसी में और कई सारे सीरियल्स में देखा होगा, यहाँ पर काफी सारे सीरियल्स के शूट चलते रहते हैं। मैं आपको ना ये तरफ दिखा देता हूँ, ये तरफ आप देखो बैरिकेड्स लगे हुए हैं ना, इसके पीछे की तरफ ये है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी। ये हम पहुंच चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सामने, जो ये मेन गेट है ये सेट के अंदर जाने के लिए, ये ब्लू पत्रा जो देख रहे हो इसके पीछे की तरफ पूरा गोकुलधाम सोसाइटी का सेट बना हुआ है। मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की तरफ, और मैं आपको आप यहाँ से भी देख सकते हो ये सामने गोकुलधाम सोसाइटी का गेट यहाँ पर बना हुआ है। और देखो अभी गेट खुल चुका है, और सामने वो ब्लैक कार में बबीता जी खड़ी हुई है, वो है ना शायद उनका हो सकता है पैकअप हो चुका है, तो वो शायद अभी निकल रहे अपने घर के लिए। देखो सामने ही बबीता जी खड़े हुए, ये उन्हीं की कार है। तो अभी है ना सारे आर्टिस्ट का शूट है ना यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में चल रहा था, इसलिए सारे आर्टिस्ट अभी एक एक करके है ना बाहर निकल रहे थे। मैंने काफी सारे और भी आर्टिस्ट को देखा अभी काफी, अभी मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सामने ही बबीता जी की कार भी अभी खड़ी हुई थी। लकी है कि शूट है ना आज गोकुलधाम सोसाइटी में चल रहा था, इसलिए हमें काफी सारे यहाँ पर आर्टिस्ट भी देखने मिले, वरना अगर इंटीरियर हाउस में होता तो दूसरी तरफ होता है, वहां पर हमें देखने नहीं मिलते ऐसे। ये देखो ये ब्लैक मर्सिडीज है जो कि बबीता जी की कार है, यहाँ पर वो अभी निकल रहे अपने सेट से, उनका शूट कंप्लीट हो चुका होगा। और ये सामने देख सकते हो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जेठालाल जी खड़े हुए और वो मगन खड़ा हुआ है, उनसे वो बातें कर रहे हैं। और अभी फिलहाल है ना शूट कंप्लीट हो चुका है ना, इसलिए उन्होंने गेट खोल दिया, क्योंकि अभी आर्टिस्ट अंदर बाहर काफी ज्यादा आ रहे हैं इसलिए। और सामने जो आप कार देख रहे हो ब्लैक कलर की कार, वो अब्दुल जी की कार है, वो भी अभी है ना कुछ देर पहले ही यहाँ पर कार के पास आए थे और वापस अंदर चले गए कुछ काम होगा। और ये सामने से देखो ये तारक मेहता आ रहे हैं, ये जो न्यू वाले तारक मेहता अभी सीरियल में आए हुए हैं ये वही है यहाँ पर, ये कभी से यहाँ पर बाहर की तरफ घूम रहे हैं। और ये देखो ये वो मगन भी यहाँ पर ही घूम रहे हैं, वो जो कि इनका नाम है ना सचिन श्रॉफ है। आपको ये कैरेक्टर इनका कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी देखो वो है ना यहाँ पर बाहर जो काफी सारे डॉगीज है तो उनको है ना खाना दे रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे थे कि ऐसे ही वो हर रोज आते हैं ना तो यहाँ पर वो सबको खाना देते हैं डॉगीज को, क्योंकि वो उनको एनिमल्स है ना काफी ज्यादा लव है। और वो देखो सामने की तरफ है ना वो भिड़े जी भी आ चुके हैं, जो कि शायद है ना अपनी कार का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो कि उनके ड्राइवर अभी लेकर आएंगे। और ये देखो तारक सचिन श्रॉफ जी है ना काफी ज्यादा यहाँ पर पास में आके खड़े हो चुके हैं। ये चीज देख के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा कि वो सारे डॉगीज को यहाँ बाहर खाना खिला रहे। वैसे ये फिल्म सिटी जंगल का एरिया है ना, तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे एनिमल्स रहते ही है। वो देखो वो व्हाइट वाली कार है ना, वो तारक मेहता जी की कार है, जो कि सचिन श्रॉफ है उनकी, उनके कार के नीचे ना कुछ तो डॉगीज रह गए हैं, वो उनको बाहर निकाल रहे, क्योंकि हो सकता है वो अभी कार है ना लेकर जाने वाले रहेंगे, इसलिए वो सारे डॉगीज को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम भी अंदर की तरफ, और मैं आपको अंदर से टीएम के उसी का पूरा सेट दिखाता हूँ। ये सबसे पहले हम आए ना तो ये देखो अब्दुल की सोडा शॉप हमें दिखाई देती है, और उसके बाजू में को लॉन्ड्री काफी एक छोटी सी दुकान है, ये अभी बंद करके रखी हुई है। और ये देखो हम सोसाइटी के पास आ चुके हैं, यहाँ पर ये पूरी की पूरी सोसाइटी काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है रियल लाइफ में, वैसे आप सीरियल में देखते हो ना उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये हमें दिखाया जाता है कि ये एविंग का लुक दिखाया जाता है हमें, ये सामने भिड़े भाई की बालकनी हमें दिखाई जाती है, यार ये रियली में मैं देख कर है ना काफी ज्यादा खूबसूरत वैसे भी लग रही है ये। और ये सामने डॉक्टर हाथी जी का घर है यहाँ पर, उसके ऊपर ये सूढ़ी का घर है, ये तरफ ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, ये जेठालाल के घर के यहाँ जाने की, ये
भी है ना काफी कलरफुल वैसे बनाई गई है। और ये हम जेठालाल जी के घर की तरफ आ चुके हैं, ये मैं आपको इसके अंदर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर ये अंदर में है ना, रियली में कोई घर नहीं होते, घर का पार्ट है ना उनका अलग से शूट किया जाता है दूसरी जगह पर। और ये तरफ आप देखो ये क्लब हाउस का एरिया हमें दिखाया जाता है, जो कि ये सिर्फ है ना सारी चीजें ऊपर से दिखाने के लिए चीजें रखी गई है। इसके अंदर कोई भी रियल में हाउसेस नहीं है, कोई रहते नहीं है इसके अंदर। और ये तरफ आप देख सकते हो ये स्विमिंग का लुक हमें दिखाई देता है यहाँ से। और फिर यही तरफ ये तारक मेहता का घर भी है। और अभी मैं आपको ये तारक मेहता के घर के अंदर ले चलता हूँ। और ये देख सकते हो यहाँ पर ये इस घर के अंदर है ना रियली में कोई घर नहीं है, ऐसी यहाँ पर सीढ़ी रखी गई है ये फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। जो आप बालकनी वगैरह में देखते हो ये सीढ़ी है ना, ये जो बापूजी का रूम दिखाया जाता है ना, ये उसकी बालकनी में जाती है यहाँ पर, क्योंकि तारक मेहता की तो कोई बालकनी नहीं है। वैसे ही सीढ़ियों से होते हुए एक दूसरे के घर में जाया जाता है, एक्चुअल रूम्स नहीं है इसके अंदर। देखो मैंने आपको गोकुलधाम सोसाइटी तो पूरी दिखा दी, अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। और अभी देखो ये बाहर से ये वापस हम अब्दुल की सोडा शॉप के यहाँ आ चुके। और मेरे ये तरफ आप देख सकते हो ये सारे जो है ना ये आर्टिस्ट के मेकअप रूम्स है, जितने भी आर्टिस्ट है ना उनके सारे अलग अलग रूम्स यहाँ पर दिए गए, मेकअप रूम्स हो सकते हैं, उनके रेस्ट करने के लिए सारे रूम्स है। तो मैंने आपको दिखाई दिया ये ही था कुछ टीएम के उसी का पूरा सेट का टूर। आपने भी देखा यार काफी ज्यादा वैसे गोकुलधाम सोसाइटी है ना वीडियोज में ऐसे खूबसूरत लगती है, जैसे आपको टीवी में लगती है ना उससे थोड़ी डिफरेंट वैसे तो लगती है, क्योंकि टीवी में ऐसे कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते वो लोग, लेकिन रियल लाइफ में ना ये और भी खूबसूरत लगती है। वैसे वो पूरा सेट है ना काफी ज्यादा ऐसे छोटी स्पेस में बनाया गया है, ऐसे सीरियल में देख के हमें तो लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, काफी लंबा लंबा वो गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड भी है, लेकिन उतना ज्यादा रियल में बड़ा नहीं है वो। आपको सिर्फ वो सीरियल के कैमराज की वजह से ना ऐसे आपको काफी ज्यादा बड़ी चीजें दिखाई देती है। और आपने वो भी देखा कि यहाँ पर एक दूसरे के लिए घर के अंदर जाने के लिए ना ऐसी यहाँ पर सीढ़ियां रखी रहती है अंदर की तरफ, जिसके थ्रू वो लोग घर के अंदर जाते, वरना ऐसे कोई यहाँ पर रियली में उसके अंदर रूम्स तो रहते नहीं। और जो कि अगर उनको वहां पर चंपक चाचा जी का जो कि रूम है वहां पर उनको जाना है, तो वो मेहता साहब के यहाँ गेट के अंदर से जाके वो सीढ़ी से होते हुए उनको ऊपर वहां बालकनी की तरफ जाना हो पड़ता है। और अगर वैसे ही यहाँ पर जेठालाल का जो बालकनी है वहां पर जेठालाल का जो घर के अंदर हम जाते हैं वहां पर ऐसे कोई रूम जैसे नहीं है अंदर जाकर, गेट के अंदर छोटी सी स्पेस है वहां पर, और सिर्फ वहां से आप बालकनी की तरफ जा सकते हो। ऐसे ही सारा शूट भी किया जाता है, मतलब यहाँ पर जेठालाल जो दरवाजा तक खोलता है अंदर जाता है वहां तक का शूट है ना गोकुलधाम सोसाइटी में किया जाता है। फिर वो अंदर इंटीरियर हाउसेस में जाता है ना, वो हाउसेस का शूट वो लोग अंदर दूसरी जगह पर करते हैं, क्योंकि वो लोग ने इंटीरियर हाउसेस का पूरा सेट है ना वो फिल्म सिटी में बना के रखा है। मैंने उसका भी एक पर्टिकुलर ब्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। अपने मुंबई के फिल्म सिटी में ना ऐसी काफी सारी सीरियल्स है जो काफी लंबे टाइम से शूट होते आ रही है, जैसे ये एक टीएम के ओसी हो गई, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो भी काफी सालों से वहां पर शूट होते हुए आ रही है, और ये कपिल शर्मा शो, और फिर कौन बनेगा करोड़पति का भी सेट है ना काफी सालों से फिल्म सिटी के अंदर ही लग रहा है। और यहाँ पर ये जो आपने टीएम के उसी का सेट देखा ना, ये पूरी पर्टिकुलर सेम जगह पर जो कभी 15-20 साल पहले वो लोग ने जब भी सीरियल स्टार्ट हुई ना तभी वहां पर गोकुलधाम सोसाइटी बनाई थी, और तभी से लेकर आज तक इतने साल हो गए तब तक यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी ऐसी की ऐसी रखी गई है। सिर्फ यहाँ पर बीच में एक टाइम जब भी वो गोकुलधाम सोसाइटी का रेनोवेशन किया था ना जो आपको सीरियल में दिखाया गया था, तो वो एपिसोड के टाइम है ना थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस किए थे, तो तभी के टाइम पर हो सकता है वो सेट को है ना वापस से रीडेवलप किया होगा यहाँ पर फिल्म सिटी में, वरना तभी के टाइम से लेकर आज तक है ना फिर ऐसी यही वाली गोकुलधाम सोसाइटी यूज की जा रही है। और लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जब गोकुलधाम सोसाइटी का रेनोवेशन किया ना उसके बाद से इसके एपिसोड्स है ना थोड़े डल होने स्टार्ट हो गए, इतनी ज्यादा मजा नहीं आता है। मैं ऑफकोर्स यहाँ पर जो पुराने एपिसोड ओल्ड एपिसोड्स थे मैं उसका काफी बड़ा फैन हूँ, और ओल्ड एपिसोड्स तो है ना आज भी मैं आते हैं तो दिखता हूँ, क्योंकि न्यू एपिसोड्स तो इतने ज्यादा मैं फॉलो नहीं करता हूँ। अभी हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल दैट टाइम गुड बाय।